एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आपने टाइटल देखा है, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मम्मी पापा अमेरिका में फर्स्ट टाइम घूमने निकले तो उन्हें कैसा लगा, मम्मी ने क्या बोला, ये सारी बातें आज हम लोग इस ब्लॉग में देखेंगे। और आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा। इंडियन ब्लॉगर बुलबुल के चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। और अभी ये व्लॉग मैं सेपरेट रख रही हूँ, इसके बाद अगर मैं अपना कोई व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन आज के व्लॉग में सिर्फ मम्मी पापा की आपको वहाँ पे फर्स्ट विज़िट, सेकंड विज़िट, दो तीन दिन मम्मी पापा बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो वो सारी बातें, वो छोटे छोटे क्लिप्स जो वहाँ से मुझे आए हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इन्जॉय करिए आप। हेलो, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, एक सपना सा लग रहा है, कहाँ आ गए। मौसम में यहाँ में आम तो बहुत होता है, वहाँ तो बहुत गर्मी। हाँ, मम्मी अच्छी लग रही नए वाले कैप में, सर्दी वाले। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये मम्मी पापा लोग फर्स्ट डे ही घूमने गए थे, तो वहाँ पे पापा जी ने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था घूमने, क्या बाहर ऐसे ही थोड़ा वॉक कर रहे थे घर के आसपास के एरिए में ही। सो ये वहीं का वीडियो है। और पहला ही दिन था आई थिंक जिस दिन मम्मी पापा पहुँचे हैं, ट्यूसडे में पहुँच गए थे वो लोग, उसके एक दिन शायद वेंसडे या थर्सडे में ये बाहर गए होंगे, तब का ही है क्लिप। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, आप देख सकते हैं धूप आपको दिख नहीं रही है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। और अपने इंडिया में कितनी गर्मी है वो तो आप सब जानते ही हैं, यहाँ पे बारिश भी हो रही है, साथ में विंटर सीज़न तो है ही रहता ही है। और धूप थोड़ी बहुत निकलती है कभी कभी, तो अच्छी धूप भी निकलती है, ऐसा नहीं है। आपको हम सनी डे भी दिखाएँगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है आज का व्लॉग। तो यहाँ पे आपको आवाज़ से समझ में आ गया होगा कितनी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे आप पेड़ देख सकते हैं, कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, घर हैं, ये सब लोगों के अपने अपने घर हैं, लोग यहाँ रहते हैं। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे वीडियो एडिट करते टाइम। तो अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे पता है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगता है एक्चुअली बाहर की चीज़ें देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। और अभी मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, तो आप वो देख लीजिए गाइस। तो मैं यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ न्यूड कैरेट सीड प्रीमियम एक्ने कंट्रोल क्रीम का रिव्यू, जिसका इंग्रेडिएंट है कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, सेसिलिक एसिड, रेटिनॉल, विटामिन ई एंड ग्लिसरीन। तो अगर आपके फेस में भी एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं और आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इस प्रीमियम क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। और आप इसके दिन में दो बार यूज़ से देखेंगे कि आपकी स्किन के जो एक्ने हैं, आपके फेस पे जो एक्ने पिंपल होते हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे हैं और वो कंट्रोल में आने लगे हैं। अगर मैं इसके टेक्स्चर की बात करूँ तो जो इसका टेक्स्चर है बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ है, जब आप अपने फेस पर इसको अप्लाई करते हैं तो ये एकदम से आपके फेस पर ग्लाइड हो जाता है। इसका जो प्राइस है वो 290 रुपीज़ है और शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स की। दिस प्रीमियम पर्सनल केयर प्रोडक्ट फ्रॉम न्यूड इज़ इन्फ्यूज्ड विद प्योर कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट एंड इट इज़ नेचुरली पीएच बैलेंस्ड।
कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट आर नोन टू हेल्प इनहिबिट बैक्टीरियल फंगल एंड वायरल ग्रोथ एंड रेगुलर सीबम प्रोडक्शन. न्यूड कैरेट सीड एक्ने कंट्रोल क्रीम हेल्प्स अनक्लॉक स्किन पोर्स एंड रीस्टोर फ्रेशनेस ऑफ योर डेलिकेटेड फेशियल स्किन. न्यूड कैरेट सीड एक्ने कंट्रोल क्रीम इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप इन मैन एंड वुमेन. यानी कि इस क्रीम को मैन एंड वुमेन कोई भी यूज कर सकता है. तो अगर आपके फेस में भी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा. बोलने के लिए वेलकम टू अमेरिका. ये टोपी तिरछी है आपकी. तो ये आई थिंक सैटरडे की क्लिप है जब मेरे भाई की छुट्टी थी तो वो लोग घूमने थोड़ा बाहर गए थे. सो यहाँ पे मम्मी पापा बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है. आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए. कैसा लगा आप लोगों को ये मंदिर? बहुत बढ़िया. भोजनालय कैसा था? भोजनालय स्वादिष्ट, बहुत सादा, बहुत अच्छा. यहीं आए सब लोग? अपने इंडियन जैसा, हिंदुस्तानी जैसा आज खाना मिला. अरे वाह, आज मिला. आइए, हिंदुस्तान के जो लोग हो यहीं आके मंदिर में खाएं सब लोग, प्रसाद खाएं. आइए. तो ये सैटरडे के बाद संडे की क्लिप है. भैया कहीं घुमाने ले गए थे मम्मी पापा को. ये बहुत अच्छा कोई टेंपल है जो कि एकदम इंडियन टच है, इसमें साउथ इंडियन टच है. और मम्मी ने बोला ही, आप लोग को बताया, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है. गुल्लू हाय. यू आर गोइंग टू मीट कृष्णा. Thank you.
कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोग और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी आगे भी आप लोग के साथ कुछ कुछ फोटोज क्लिप्स शेयर करने की। तो चलिए अभी इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ फिनिश कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।